चिमूर तहसील के डोमा गांव में स्थित मुक्ताई मंदिर तथा झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना। चिमूर तहसील के डोमा इस गांव में मुक्ताई मंदिर तथा झरना को देखने के लिए पिछले 3-4 वर्षों से पूरे राज्य के विभिन्न ठिकानों से बड़े पैमाने पर पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और इस वर्ष रिकॉर्ड पर्यटकों की यहां पर उपस्थिति रही और वहीं 15 अगस्त को लगभग 1,00,000 पर्यटकों ने यहां पर दस्तक दी, मगर प्रशासन द्वारा कोई ठोस व्यवस्था न होने से स्थानीय संस्था एवं VC के थानेदार की मदद से यातायात को सुचारू रूप से किया गया। वहीं क्षेत्र के लोक प्रतिनिधि द्वारा भी इस परिसर को दुर्लक्ष किया जा रहा है, ऐसी व्यथा गाँव वासियों ने हमारे प्रतिनिधि चेतन लुथड़े के सामने व्यक्त की और अभी तक इस परिसर के रास्ते, रोड लाइट तथा पीने की पानी की व्यवस्था सही तरीके से हो नहीं पाई है। इस जगह पर आदिवासी संस्था काम कर रही है जिसके द्वारा मंदिर व परिसर की साफ सफाई की जाती है और जिसके कारण गांव के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, मगर खेती का काम करते समय भारी पैमाने पर इस परिसर में वाहनों का आवागमन होता है जिसके चलते खेती के कामों में रुकावट आ रही है और वहीं प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर दूसरा मार्ग तैयार करें ऐसी मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। उसी प्रकार इस परिसर के लिए अन्य सुविधाओं की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। CTV के लिए विशेष प्रस्तुति हमारे प्रतिनिधि चेतन लुथड़े के साथ राजेंद्र मर्दाने की रिपोर्ट। दोन दिवस सुट्ट्या असल्यामुळे आजचा दिवस एन्जॉय करण्यासाठी मुक्ताई या स्पॉटवर आलेलो आहे। अत्यंत प्रसन्न आणि आनंद असं वाटतं आहे, एकदम छान स्पॉट आहे हा या डिस्ट्रिक्टमधला। आज पहिल्यांदा आम्ही या स्पॉटवर आलेलो आहे आणि छान वाटतं आहे। बिलकुल काय कमी आहे असं वाटतं या स्पॉटवरती आहे, काय व्यवस्था करायला? सध्या तरी व्यवस्था म्हणजे पार्किंगची व्यवस्था, कारण आम्ही सुरुवातीला 4 किलोमीटरपासून पैदल चालत आलेलो आहे। 5 किलोमीटरवर पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे सर्व लहान मुलांना वगैरे लेकरांना वगैरे पैदल यावे लागले, परंतु त्यामुळे पार्किंगची व्यवस्था ही मिनिमम 2-3 किलोमीटर सुरुवातीलाच असावी।